कहते हैं कृष्ण भजन नहीं जाती विचार, कृष्ण भजन में जात पात का भी विचार नहीं। इसलिए हमारे प्रेमानंद ठाकुर एक बड़ा सुंदर उन्होंने कीर्तन लिखा है। वो कीर्तन में कहते हैं बोले मन की करे बारा को सर्वश्रेष्ठ मान लिया। इसलिए अंदर में आ जाओ। इसलिए यहाँ पर कहते भैया जो मेन जो वस्तु है भगवान की भक्ति है। इसलिए यहाँ पर सोनोदागिरी से लोग सुत गोस्वामी को प्रश्न करते हैं, उन्होंने 6 प्रश्न किया है। अब ये 6 प्रश्न का जो उत्तर है ना, ये पूरी भागवत की 6 प्रश्न को आधार करके बना है। पहला प्रश्न तो करोड़ों रुपया की प्रश्न है। पहला प्रश्न ही आत्मा को शांति कैसे मिलेगा, क्योंकि आप जीवन में जो कुछ करते हैं वो शांति के लिए सब कुछ करते हैं। दूसरा प्रश्न है लेकिन शांति कब मिलेगा, ये सब प्रश्न से जुड़ा हुआ है। शांति तभी मिलेगी जब भगवान की भजन करोगे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा। भगवान से विमुख होकर के रावण जैसे व्यक्ति को शांति नहीं मिली। कोई सोचते है ना अगर ज्यादा पैसा हो जाता ना शांति मिल जाती, जिनको पास में ज्यादा पैसा पूछ लो जाकर शांति में हो। इतने बेचैन सी रावण जैसे सोने की लंका जिसकी, सोचते अगर किसी अच्छे छोरी से सुंदरी लड़की से शादी हो जाएगा तो शांति मिलेगी। रावण का पत्नी का नाम था मंदोदरी, देखकर के मोहित हो गए थे। यही तो महालक्ष्मी नहीं, बेटा का नाम मेघनाथ इंद्रजीत, सवा लाख जिसका नाती, 1 लाख जिसके पुत्र हैं। लेकिन वो भी कहते हैं शंकर जी को कदा सुखी भवामि हम। हे कौन सा कृष्ण की, यद्यपि कृष्ण एक है लेकिन रस विचार में कृष्ण 3 है। एक द्वारका कृष्ण, एक मथुरे से कृष्ण और एक वृंदावन का कृष्ण। इसलिए कहते हैं जीव गोस्वामी कहते हैं अगर ये प्रश्न करते कृष्ण की कथा सुनाओ भैया, वो भी तो द्वारका किसका कथा सुना सकते थे, लेकिन वृंदावन ने कृष्ण कथा नहीं सुना तो बोले नहीं हमें ये 3 कृष्ण की हमें कथा सुनाओ। 4 प्रश्न है केवल कृष्ण कथा नहीं, बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। बल भगवान युग युग में कैसे रामा अवतार में कैसे उन्होंने रावण को वध किया, पावन अवतार कैसे बलि महाराज को पर में कृपा की, कैसे उन्होंने मत्स्य उन्होंने बराह अवतार में पृथ्वी को कैसे उन्होंने उतलने की, नरसिंह अवतार में कैसे श्री हिरण्यकश्यप को कैसे वध किया। इसलिए हमें जितने सारे अवतारों की कथा भी बड़ी सुंदर सुंदर है। उनका जो 5वां प्रश्न है भगवान कैसे 7 करोड़ गोपियों के साथ में कैसे प्रभु नृत्य कर रहे थे। हर गोपियां सोच रहे थे कृष्ण मेरे साथ में, कृष्ण मेरे साथ में। प्रभु की जो अद्भुत जो जस है
जी बताओ कौन सा चमत्कार दिखाते हैं, उधर राम की भक्ति करते हैं और इसके सिवा कहते हैं क्या? तुलसीदास जी कौन सा चमत्कार दिखाते हैं? हैं? इसलिए किसने श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज को बोले, बोले हमने सुना संतों को देख करके जो लोग ड्रग्स लेते थे दिन रात, हैं, गद्दी गद्दी उल्टा सीधा चीज में सब लगे हुए थे, शराब पीते थे, उल्टा पुल्टा स्त्रियों के साथ में घूमते थे जिनकी चरित्र ठीक नहीं था, लेकिन उससे बचा करके गला में इधर इधर इसलिए इसलिए मैंने इनका जो जीवन मैंने परिवर्तन कर दिया है जीवन के लिए। कहते भैया ये क्या कोई काम चमत्कार है? ये कोई सब गंदी चीज को छुड़ा करके भगवान की भगवान की भक्ति में जिनको हमने लगा दिया है कि कोई कब चमत्कार करता है, हैं? इसलिए श्री सुत गोस्वामी जिनके प्रश्न सुनकर जिनके रोम रोम खिल उठा, बोले क्यों रोम रोम आप जाओगे ना दुखी दुखी होकर जाओगे, लेकिन यहाँ पर बैठो ठाकुर जी कथा सुनो शांति मिलती नहीं। इसलिए यहाँ पर कहते भैया साधुओं के पास में जाकर के ना कोई दुनियादारी बात मत किया करो, अगर सचमुच से वो साधु हो वो कब कैसे खुश होगा? जब उनको भगवत संबंधी प्रश्न करोगे कि जो संत हैं संत का लक्षण क्या है, बोले मत कथा मत गता चिंता बधयन्ते परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च नवन्ति च। कृष्ण स्वयं अपना भक्तों का लक्षण कहते बोले हे अर्जुन मेरी कथा मेरी चिंता मेरी भजन के सिवाय उनको पास में कोई दुनियादारी बात नहीं होता, इसी में ही वो रमे रहते हैं और दुनिया की कोई बात ही नहीं करते, क्योंकि दुनिया की जो बात है वो दुख देने वाले हैं और जो ठाकुर जी को जो कथा किए आनंद दे। बड़ी सुंदर सुंदर प्रश्न की, यानी कि रोम रोम के लिए उठ बोले वाह क्या सुंदर तुमने प्रश्न किया, प्रश्न सुना कर मेरा मन को तुमने खुश कर दिया। इसलिए पहले मैं अपना गुरु जी को वंदना करता हूँ, उसको बाद में फिर तुम्हारी प्रश्न को उत्तर दूंगा। बोले बंद गुरु पद पदो मा इसलिए गुरु जी की कृपा के बगैर जीव को कोई गति है नहीं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो गया में थे जब उन्होंने अपना गुरु जी ईश्वरपुरी को दर्शन किया, महाप्रभु क्या कहते हैं? बोले प्रभु बोले गया यात्रा सफल, कहते पिंड दिले तीर्थ पिंड दिले तरे सही जन, आप जिनके उद्देश्य को लेकर के पिंड देने जाते हो वो एक व्यक्ति का कल्याण होता है, लेकिन भगवान कहते हैं जब जीवन में सतगुरु को दर्शन होना तुमा दर्शन मात्र कोटि पितृगण सही खने भगवंत पाए विवचन कद, लेकिन जब हम श्री गुरुपाद पद्म को दर्शन करते हैं दर्शन मात्र से ही पितृ पुरुष क्या होता है भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए आज मैंने गुरु जी की शरण के आए हैं, गुरु जी आपका चरण में शरणापन्न होता हूँ, मेरे ऊपर में कृपा कर। लेकिन शास्त्र कहता है भैया गुरु जी का कुछ लक्षण भी होनी चाहिए। नव जोगेंद्र को प्रश्न करते हैं ये माया बड़ी ठगनी है, माया बड़ी ठगनी है, ये माया से जीव कैसे पर पार पाएगा? तब श्री नव जोगेंद्र श्री नेमी महाराज को नव जोगेंद्र कहते हैं
तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासो श्रेय उत्तम साप्ते परे च निस्नातम् ब्रह्म द्यूप समाश्रय। बोले गुरु जी की तीन लक्षण यहाँ बताया। पहला लक्षण है शब्द ब्रह्मणी शास्त्र सिद्धांत तत्व में पारदर्शी हो। बोले क्यों? बोले अगर स्वयं शास्त्र में पारदर्शी नहीं हो, अगर शिष्य कोई प्रश्न कर दिया तो फिर उत्तर नहीं दे पाओ, फिर शिष्य का मन में डमाडोल होना शुरू हो जाएगा, हमारी उत्तर नहीं दे सकते। बोले ये क्या सारे शास्त्र को पढ़ना ही सब कुछ हो गया? नहीं, कभी ये बाहर लक्षण, लेकिन अंतर लक्षण क्या है? बोले परे। परे मतलब होता है भजन परायण होनी चाहिए। कहीं से नहीं केवल दूसरों को उपदेश देते हैं, खुद को भजन भजन से कोई मतलब नहीं होने के लिए। अगर गुरु जी स्वयं माया में खुद पड़े हुए, जब स्वयं कुएं में पड़े हुए हमें क्या माया से निकालेंगे? अगर कोई व्यक्ति कुएं में पड़ा हुआ हो उसको कौन निकाल सकता है? इसलिए उसको कौन निकाल सकते हैं? जो कुएं को ऊपर में हो वही तो निकालेंगे ना, रस्सी फेंक करके। अगर दोनों ही अगर कुएं में पड़ा हुआ तो कौन किसको निकालेगा? कोई निकाल नहीं सकता। इसलिए गुरु जी की ये भागवत में बताए तीन गुण गुरु जी की होनी चाहिए। बोले भैया मेरे गुरुदेव कौन है? बोले मेरे गुरुदेव साधारण व्यक्ति नहीं। बोले जम प्रभजंत मन पेत अपेत कृत्यम द्वई पायन विरह कातर आयु भावम पुत्रेति तन्मय दया तरवो विनेदु स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तुस्मि। बोले मेरे जो गुरु जी ये मातृगर्भ में जो 16 साल तक रहे, गर्भ से निकलना नहीं चाह रहे थे, एक दिन ब्याज दो। बोले भैया तुम कौन हो? मैया को इतने कष्ट क्यों देते हो? निकल करके आ जा। बोले मैं तो बहुत खुश हूँ, बढ़िया भजन हो रहा है, गर्भ में बैठी बैठी कर बढ़िया भजन हो रहा है। इसलिए यहाँ पर सिख्या देते मैया की पेट कैसे है, कभी इतनी गर्मी है ना, आज गुलाब जामुन खाओ कल बिस्टा लग कर निकल जाता है, वहाँ बच्चा उल्टा लटकता हुआ रहता है, टाटी पेशाब का थली में जैसे गटर होता है ना, अगर गटर खाना में किसको एक घंटा बंद कर तो क्या होगा? दम घुट जाएगी। माँ के पेट नहीं भगवान के भी गटर खाना है, केवल टाटी पेशाब खून पी की थाली कुछ नहीं पेट में है। भैया जब चटपटी चीज खाती है बच्चे को शरीर में बड़ा कष्ट मिलता है, लेकिन वो कहते हैं यहाँ पर बढ़िया मैं हूँ, क्यों? यहाँ पर बढ़िया भजन हो रहा है, इसलिए पिताजी हमें बाहर मत बुलाया करो, यहीं पर भक्ति हो रही है। शिक्षा क्या देते हैं? जहाँ पर बढ़िया भक्ति हो ना वहीं पर हमें रहनी चाहिए। हमारे श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज क्या करते थे? वो कहाँ रहते थे? एक पायखाना के अंदर में है, उसमें बैठी करके और जोर जोर से एक बार हाथ उठा करके बोलो बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे भजन हमारी डट करके भजन हो, इसलिए कहते भैया गर्भ में बढ़िया से भजन हो रहा है, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। बोले भैया भैया को तो पुकारता है प्रभु ये नर्क से निकालो, हजार जन्म की बात याद आता है, पहले पहले कैसे झूठ बेईमानी करके पैसा कमाए, वो पैसा का कर्म का फल मेरे को अकेले भोगना पड़ रहा है, यहाँ पर कोई है ही नहीं। भगवान को कहता है प्रभु नरक से निकाल। बोले क्या कर रहे? जब करूंगा कभी ये झूठे संसार में मैं नहीं घुसूंगा, इसलिए हम भगवान से यही वायदा करके आए थे, लेकिन यहाँ आकर के सब सब भूल गए। बोले आए थे हरि भजन को और उठने लगे कपास, भजन के लिए आए लेकिन यहाँ आकर के भगवान को बाल पकता है कहाँ से? यहीं से, कानों से। बोले कान में पहला बेल बजा दिया। बोले क्या बात है, तू बोर करके आया था ना भजन कर रहे, कितने समय भजन कर रहे हो, कितना समय स्मार्टफोन में लगे हो है, कितना समय टीवी देख रहे हो,
लेकिन जब एक बाल आए ना भक्त उसको उखाड़ देते हैं, कहते इतना जल्दी हमें बूढ़ा बूढ़ी बना रहे हो, फिर दूसरे बाल भी बढ़ जाते उसको भी उखाड़ देते हैं, और जब खिचड़ी हो जाए ना फिर कलर कर देते हैं, इसको मेहंदी लगा कर कलर कर देते, बोले हमारे कुछ नहीं हुआ, बोले दूसरा हुआ आदमी की दुखा, बोले क्या लोगे, बोले आंखों में कमजोरी आ जाएगा, बोले चश्मा पहनते, बोले तीसरा बार नहीं की दुखा, बोले क्या करोगे, बोले एक एक कर दांत तोड़ना शुरू करूंगा, दांत लगा देते फिर खिलखिला कर हंसते, बोले कुछ नहीं हुआ, भगवान बोले फोर्थ बार नहीं की दुखा, बोले क्या लोगे, बोले दो पैर से तितलियां हो जाएगा, बोले डंडा पकड़ना शुरू कर देते हैं, डंडा पकड़ करके चलोगे, लेकिन ठाकुर जी को सबके सब वार्मिंग है, इसलिए समय को भजन करके भगवत को प्राप्त इसी शरीर से कर सकते हो, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भैया जब तक इस शरीर में ताकत है ना उसको रगड़ रगड़ करके जितना फायदा उठा लो, जितने फायदा उठा लो, प्रभुपाद कहते हैं इसमें क्या करो भगवान की भजन कर लो इसी शरीर से। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी को श्री व्यास देव बोले मैं माया को हटा देता हूँ, बोले आप नहीं हटा सकते, ये मायापति कृष्ण ही हटा सकते हैं, जब कृष्ण आकर के माया को हटाए श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए, बोले श्री सुखदेव महाराज की जय। लेकिन वो होते ही अभी तक इनकी उपनयन संस्कार भी नहीं हुई, बस सुखदेव गोस्वामी जंगल में जा रहे, इतने में व्यास देव पीछे पीछे हा पुत्र कर रहे थे, प्रतिध्वनि आ रहा था हा पुत्र, कौन किसका बेटा कौन किसका पिता, सब झूठा समझे, देखो मेरे जो गुरु जी को सारे वृक्षलता भी पुत्र 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 बोल रहे थे, बोले क्यों, बोले चार ऊपर में भगवान की कृपा होना, जा पर कृपा हरि की हुई ता पर कृपा करे सब कोई, जो एक बार भगवान का प्यारा बन जाता है ना वो दुनिया का प्यारा बन जाता है, उसको सारा दुनिया प्रेम करते हैं। दूसरा अर्थ कहते हैं मेरे जो गुरु जी है ये सारे लता पता वृक्षों में भी मेरे गुरु जी विद्यमान है, जब मेरे गुरु जी सर्वत्र विद्यमान है मेरे गुरु जी मेरे हृदय में भी विद्यमान हो, क्योंकि जो सोनकाद ऋषियों ने जो प्रश्न की है भैया इसका तो सही सही उत्तर देनी चाहिए ना, मन में जो आए उत्तर देते नहीं, इसलिए हमारे गुरु परंपरा में शास्त्र में जो बात बताई कहती है गुरु जी की कृपा से ही हम इसकी उत्तर दे सकते हैं, इसलिए उन्होंने गुरु जी की कैसे मिलेगी, ये करोड़ रुपया के प्रश्न है जिसका उत्तर है श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं बोले सबई पुंसांग परो धर्म जत भक्ति रथक सजे आहाय तुकी जय आत्मा संप्रसीदति, ये आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, कहते सबई पुंसांग परो धर्म, जीव मात्र का यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, जगत में धर्म बहुत तरह का है, पिता की सेवा करना भी धर्म, लेकिन भाई धर्म नहीं, क्योंकि जो जीव है वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो जीव है वो ईश्वर का ही अंश है, ये जीव ईश्वर का अंश होने का नाते ये जीव का जो सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है ईश्वर का ही आराधना करना, ये संसार में ये कर्तव्य ये जीव का धर्म नहीं, ये कर्तव्य, बताओ हनुमान जी कौन सा कर्तव्य को पालन किए हैं, हनुमान का राम का दिन भर सेवा करते हैं, राम का नाम राम, बताओ मीरा ने कौन सा कर्तव्य की, उसे पति छोड़े देवर छोड़े परिवार छोड़े केवल गिरिधार की रहने में रह गई, बताओ गोपियां कौन सा धर्म जाचने की, ये सबकी ममता मोह छोड़कर कृष्ण को पास, कृष्ण क्या कहते हैं बोले स्वागतम महाभागा, कृष्ण स्वयं भाग्य बिहारी जिनका स्वागत करते हैं, जगत में तुम लोग सबसे बड़े भाग्यवान क्यों, तुम लोगों ने सारे धर्म को छोड़ करके तुम बुझे, आपको पता है उन्होंने जब सन्यास लिया पहले उनका जो दो भाई थे वो गुलाबी, ये गुलाबी रंग अनुराग का रंग है, राधा कृष्ण की अनुराग, महाप्रभु कहते जब तक कृष्ण बोलना सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रजहि, अर्जुन तुम सब छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ, सारे पाप से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा,
इसलिए यहाँ करके तो सबई पुंसांग परो धर्म जीव का जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है। सत्य युग में ध्यान जानते मन इतना चंचल का ध्यान करेगा, पहले हजार हजार साल ध्यान करते थे, अगर 15 दिन में एक एकादशी व्रत आती ना, अगर एक एकादशी व्रत अगर निजला करे तो बोलो भैया काम करो, बोला आज हमने व्रत रखा है, आज हम कुछ तपस्या करते थे, यज्ञ कर तो पास में धुआं भरे आग की लपेट में पैसा खर्चा, द्वापर युग में भी अर्चन भी दूध दही में पैसा खर्चा, लेकिन कलि युग में कोई पैसा नहीं खर्चे बिना पैसा। इसलिए महाप्रभु कहते हैं नाम नाम कारी बहुधा भगवान अनंत नाम, निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता, मैंने सारे शक्ति मैंने नाम में दे दिया। बोले नियमित स्मरण न काल, कोई नियम नहीं रखा हरि नाम करने के लिए है, कोई विधि विधान नहीं रखा, पवित्रता अपवित्रता को नहीं रखा, लेकिन लास्ट में महाप्रभु कहते हैं मैंने इतने सरल कर दिया तभी ये कलयुग का जीव हरि नाम नहीं करते। देखा कल्याण कैसे हो, बोले सुलभम भगवत नाम, भगवान कभी नहीं कहते देखो अगर तुम मेरे नाम लोगे तो पैसा देना पड़ेगा, ठाकुर बोलते हैं तुम लोग बिना पैसा की। बोले जिह्वा च वशवर्तिना, ये जिह्वा हमारी अधीन है, जैसे बोलेंगे जिह्वा वैसे करेगा हैं। बोले तथापि नरकम जाति, तभी ये कलयुग का जो नरक जाते हैं, बोले इससे आश्चर्य क्या हो सकता है। इसलिए यहाँ पर कहते बोले एतद् निर्विद्यमानानां, यहाँ पर कहते हैं तीन तरह के व्यक्ति को हरिनाम करनी चाहिए। बोले तीन तरह का व्यक्ति कौन है, बोले एतद् निर्विद्यमानानां, संपूर्ण रूप में संसार जो मुक्त हो गए ऐसे नहीं बद्ध जीव ही हरिनाम करे। शंकर जी देखो कच्चे मुख राम नाम गान त्रिपुरारी, नारद जी को देखो नारायण, और श्री गणेश जी भी क्या करते हैं वो भी भगवान के नाम जप करते हैं। इसलिए सारा दुनिया जो मुक्त महापुरुष भी प्रभु का नाम करते हैं। एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम् अभूत भयम्, जो संसार में अभय बनना चाहते हैं। बोले योगिनाम निपनिर्णित, जितने योगी ऋषियों ने एक ही सिद्धांत को बताया क्या, बोले कलि युग केवल नाम आधारा और सुमेरि सुमेरि नर उदय नहीं पारा, कलि युग में केवल प्रभु का नाम सकते। इसलिए एक भजन गाते हैं ना, बले राम नाम की माला जपेगा तो ही दीवाला, राम नाम की माला जपेगा तो ही दीवाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा तो ही दीवाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा तो ही दीवाला, जिसका दिल मजबूत है ना वही व्यक्ति हरि का नाम ले सकता है, जिसका कमजोर है ना। बोले अरे गले में कड़ी सन्यासी का धर्म थोड़ी है, क्या दिन भर नाम लेकर नाच रहे हो रो रहे हो। तब उन्होंने बोले देखो गुरु मोरे मूर्ख देखी पहली शासन, मेरे गुरु जी बोले भैया तुम मूर्ख हो, तुम्हारी अधिकार तुम वेदांत पढ़ नहीं सकते हरि नाम बचो, और मैंने गुरु जी के आदेश को पालन करते हुए मैंने जब ये हरि नाम करते रहा। कृष्ण भक्ता श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सदि गौर भक्ति
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो गुरु गौरांग राधा रमन बिहारी जी की जय। जय श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। मैं गुरुदेव मेरे गुरुदेव मित्रला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति बावन गोस्वाई महाराज जी के चरण कमल अनंत अनंत प्रणाम। मुझे शिक्षा गुरुपाद पद्म परमहंस परिप्रा चतुर्दंडी साहि भक्तिदान्त नारायण गोस्वाई महाराज जी के चरण कमल अनंत अनंत प्रणाम। परम गुरुदेव कृष्ण गोस्वाई महाराज परम पूज्य रूप सिद्धांत गोस्वाई महाराज जी के चरण कमल प्रणाम। सपाद सत प्रभुपाद श्रीपाल गुरुवर्ग के चरणों में दंडवत प्रणाम। भागवत कथावाचक पूज्यपाद श्रीधर महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। भागवत कथा प्रेमी वैष्णव भक्त वृंद सभी के चरण प्रणाम। सादर अभिनंदन एवं अभिवंचन। महाराज जी की भागवत चल रही है हमारे चरण में आता तो इसलिए दर्शन के लिए आया। और महाराज जी मेरे जी बहुत सीनियर है लेकिन इतनी दीनता कर रहे हैं मेरे आंखों में आंसू आए। मैं कहाँ आशीर्वाद देने आया था। मैं तो हरिकथा छह प्रश्न जो किया था उन्होंने एक नंबर दो नंबर का जवाब दिया। फिर भगवान के अवतार सफल की कथाएं सुनना चाहा। फिर आखिरी में पूछा कि कृष्ण जब चले गए तब धर्म किसका सा। तो उसमें एक जो है आखिरी वाला श्लोक में कहा कृष्णे सदा भगवते धर्म गणाधिपी कलौ नष्ट द्विष पुराण। इसमें कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान जब चले गए इस धाम से 125 साल में रहते हुए फिर ज्ञान धर्म कहाँ आश्रय। क्योंकि यहाँ इस जगत में भगवान नहीं रहेंगे तो फिर सूर्य के भांति भागवत पुराण में ही भगवान प्रवेश। बोलो भागवत भगवान की। इसलिए भागवत जो है इनकी साक्षात भगवान है कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण का जुगल जुगल रूपम। इसलिए जो 18 पुराण में जो 17 पुराण जो तार नहीं पाते इसलिए श्रीमद् भागवत भगवान के लिए है शाब्दिक अवतार। तमादि देवम करुणानिधानम तमाल वर्णम सुहितावतार अपार संसार सेतु भजावे श्री भागवत स्वरूपम। साक्षात भगवान ही शब्द अक्षरम ब्रह्म के रूप में मिला। इसलिए नाम छ नंबर में नीर अपराध पूर्वक श्री नाम कीर्तन ही महाप्रभु की शिक्षा का सार है। इस पर गुरु जी की मठ में लिखा है निरअपराध पूर्वक श्री नाम कीर्तन करना ही महाप्रभु। इसलिए हमें करेंगे तो सेवा अपराध जानना जरूरी है। इसलिए इसको ही शिक्षा बोलते केवल हरिनाम करेंगे तभी नहीं होगा केवल सेवा करेंगे तभी नहीं कथा भी सुनने पड़ेंगे। आलसी लोगों का काम नहीं है ना। आलसी लोगों का काम नहीं है हरी कथा सुनना भी है हरिनाम भी करना।
तभी एक मठ मंदिर या गृहस्थ परिवार जो है तो बहुत सुंदर इस भागवत में विचार है। और भगवान हमारे कल्याण के लिए हमेशा ही व्यस्त रहते, जैसे पेरेंट्स बच्चे का कल्याण के लिए हमेशा चिंतन करते रहते, उस प्रकार भगवान भी हमेशा हमारे मंगल कैसे। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा क्या क्या कहा कि ये पांच का संग, भागवत श्रवण, श्रद्धा श्रीमूर्ति सेवा और नाम संकीर्तन, साधु संग और मथुरावास, मथुरावास यानी धाम निवास, इन पांच जो है साक्षात भगवानी भगवानी। ये पांच का कोई एक का अगर संग हो जाए तो समझे आप तरने की जरूरत नहीं है, आप तरे ही। इसलिए नाम बहुत जरूरी है और इस प्रकार नील अपराध में जो है नाम लेना है, वो नील अपराध 10 प्रकार अपराध है। क्या क्या है अपराध? साधन धंधा, ये याद रखना जरूर, आपको याद कराने के बजाय मेरा भी याद है। एक साधु निंदा नहीं करना, गुरु अवज्ञा नहीं करना, नाम के बल पर पाप नहीं करना, श्री महाराज जी वो गाते थे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो ये सब सच में गुरु वैष्णव लोग आसानी से इस बात को पूरा माखन निकाल के हम लोग को देते हैं। हम लोग सोचते हैं बहुत आसान चीज है, नाम कर्म थोड़ी थोड़ी बात थोड़ी है, लेकिन याद रखना वही जप कर सकता जल्दी वाला से। जो जिन्होंने जन्मे पिछले जन्म में ठाकुर जी को हरि का अर्चन किया हो, सत जन्म जिन्होंने गुरु वैष्णव की सेवा किया हो, उन्हीं के मुख में राम नाम है, अन्य के मुख में नाम नहीं। तो इसलिए इस तरह से ये और इन कृपा की हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए और हमने हमें हमेशा शरणागति जो है वो हमें देना चाहिए। शरणागति क्या है? अनुकल्लस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य विवर्जनम् शरणविधा शरणागति। भक्ति की अनुकूल को लेना है और प्रतिकूल को देना है। महाराज जी जो बोल रहे हैं जब स्मार्टफोन सही है, अगर सही यूज नहीं किया दिमाग खराब चल जाए, मौत के घाट पे उतर देंगे। मैं अपनी रास्ते के बीच में चले गए, गाड़ी एक्सीडेंट करके चले गए, स्पॉट बहुत खतरनाक चीज है। इसलिए इस प्रकार माया कैसे बुद्धि हर लेगी आपको पता भी नहीं, हमेशा हमारे अंदर दीनता है। दीनता नहीं है तो हमारे अंदर भक्ति नहीं है, क्योंकि फलवंत विकार गुणवंत जो जिस वृक्ष में फल लगता है वो झुकता है और जिस वृक्ष में फल नहीं है वो यूकलिप्टस की तरह खड़ा सीधा स्थान पर सबको जानता है। और आखिरी में क्या कहा? आत्मनिंदन बोली महाराज वैष्णव के, गुरु वैष्णव के जो 26 गुण है उसमें जो सर्वलक्षण देकर के फिर आरती फिर प्रसाद लेकर सब ब्रज वृंदावन बिहारी लाल की आज के आनंद की जय जय ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। देहं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं रिक्तार्तिहं प्रणतपालभवाप्तम्।
ऊपर उठा देता हूँ। वंदे महापुरुष ते चरणारविंद, हरे कृष्णा, भक्तवांछा कल्पतरु कृपा सिंधु दीन बंधु पतित पावन प्रियतम परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय निखिल हे या प्रतिनिक अखिल गुणगण निलय भगवान श्री राधा मनोरम प्रभु की महती कृपा से मानव जीवन का उत्कृष्ट फल सत्संग आज हम लोग श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से श्रवण करने का और कहने सुनने का सत्सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरुदेव की आज्ञा से परम भक्त श्री ध्रुव जी का चरित्र आगे का प्रसंग जो है वही हम लोग कहेंगे और सुनेंगे। उत्तानपाद राजा हुए हैं, उनकी दो रानियां हुई हैं सुनीति और सुरुचि। उत्तानपादो राजा तत्प्रिय भाषितम द्वितीयम न भूतो। उत्तानपाद राजा हुए, उनकी दो पत्नियां हुई हैं सुनीति और सुरुचि। देखिए पहले जो नाम होता था ना वह गुण के अनुसार होता था। सुनीति उत्तम नीतया सुनीति कथ्यते, जिसकी नीति अच्छी है, जो वेलविशर है, और एक सुरुचि जिसमें राजा की रुचि अच्छी है। ये दोनों ही राजा की पत्नी थी। तो सुनीति जो थी उसको राजा ने एक अलग से रहना सहना सब दे रखा था, क्योंकि वह सुरुचि से प्रेम करते थे, क्योंकि सुरुचि दिखने में बहुत सुंदर थी। सुरुचि के एक बालक था जिसका नाम था उत्तम, और सुनीति महाराज के एक बालक था जिसका नाम है श्री ध्रुव। इसीलिए ध्रुव जी भगवान के परम भक्त हुए हैं। जब ध्रुव जी एक बार क्या हुआ, ध्रुव जी खेलते खेलते राजा की गोदी में अपने पिता की गोदी में बैठना चाहते थे, तो खेलते खेलते जब वे राजमहल में पहुंचे तो देखा सामने उत्तानपाद सिंहासन आरूढ़ था, उसकी एक अंक में उत्तम बैठा हुआ था। तो जब खेलते खेलते ध्रुव जी की इच्छा हुई कि मैं भी अपने पिता की गोदी में बैठूं, तो वो जैसे ही पिता की गोदी में बैठने लगे तुरंत उसकी जो ध्रुव जी की सौतेली माँ थी सुरुचि, उसने तुरंत फटकारा, अरे क्या करता है, यदि तुझे राजा की गोदी में बैठना है, अपने पिता की गोदी में बैठना है, तो तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा, तब तुझे राजा की गोदी में बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। इसमें श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, देखो सारे के सारे सुकृतों का फल है भगवान की आराधना, और ये मंदमती भगवान की आराधना का फल अपनी कोख से जन्म लेना बता रही है। इस कारण से जब ध्रुव जी ऐसा सुना तो एक बार ध्रुव जी ने नजर डाली अपने पिता की तरफ कि क्या पता पिताजी भी देख करके कह दे कि भाई कोई बात नहीं तू बैठ जा, पर राजा कुछ नहीं बोला। तुरंत ध्रुव जी भागे हैं और जाकर के अपनी माता सुनीति जो है उनके पास गए हैं रोते रोते। जब सुनीति ने देखा कि क्या बात हुई है तो सुनीति ने कहा, पूछा ध्रुव जी से कि क्या बात है ध्रुव, आप इतने चिंतित क्यों हैं? तो ध्रुव जी ने क्या कहा, ध्रुव जी ने कहा माता मेरा अपराध क्या है, मैं अपने पिता की गोदी में बैठने के लिए उद्यत हुआ परंतु मेरी जो माँ है जो सुरुचि है उसने मुझे रोक दिया। देखो अगर आजकल की माताएं होती तो तुरंत पहुंच जाती लड़ने के लिए, पर वह विद्वान, पर उन्होंने विवेक का सहारा लिया, क्योंकि विवेक कहां से प्राप्त होता है, सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ ना सुई, बिना सत्संग के विवेक प्राप्त नहीं होता। इसलिए विवेक से कहा उन्होंने कहा पुत्र तू चिंता मत कर, ये जो राजा है ये तो राजा की जो गोदी है ये तो नश्वर गोदी है, तेरे को तो भगवान की गोदी में बैठना चाहिए। भगवान की गोदी में बैठने, अच्छा माता भगवान की गोदी में बैठने से क्या होता है? तो उन्होंने कहा राजा की गोदी में बैठने से तो गिरने का डर है, पर श्री भगवान की गोदी में बैठने से गिरने का डर नहीं है, वह अचल गोद है। इस कारण से उन्होंने कहा कि तू राजा की गोदी में बैठ। देखो जब जैसे ध्रुव जी आए तो जब ध्रुव जी ने कहा कि माता अब मैं किसका सहारा लेता, पिता ने भी मुख मोड़ लिया, तो श्री माता ने कहा कि देखो व्यक्ति को किसकी ओट लेनी चाहिए, ओट जानते हैं ना सहारा, ओट किसकी लेनी चाहिए, व्यक्ति को ओट भगवान की लेनी चाहिए। काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग पड़े तब तौवन को जा रहे,
यदि शेर आ गया तो वो मिल जाएगा। चूहे की ओट से चूहा बचे नहीं, बिल्ली पड़े तब तो उनको फारे। इसलिए यह जीव कहीं कहूं ओट बचे नहीं, हरी ओट बचे यह वेद पुकारे। अगर जीव ने डंडा पड़ेगा, इसलिए हमारे ब्रज का एक सुख, क्योंकि ब्रज में ही कथा हो रही है, तो एक बहुत सुंदर रसिया है। ब्रज के संत गाते हैं, कोई धीर ना धरे गो डंडा पड़े गो जा दिन काल को। इसलिए भगवान ध्रुव जी ने बड़ा सुंदर सत्संग अपनी माता के मुख से सुना। थोड़ी देर में ध्रुव जी रोने लग गए। ध्रुव जी ने कहा, माता ने कहा, अब क्यों रो रहा है? तो ध्रुव जी ने कहा, मुझसे मानसिक अपराध बन गया। तो पूछा कि मानसिक अपराध क्या बन गया? उन्होंने कहा ध्रुव जी ने कि जब मुझे मेरे पिता की गोदी में बैठने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, तो मैंने सोचा हाँ मैं कैसी अभागिन माता की कोख से पैदा हुआ कि अपनी पिता की गोदी में बैठने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ। परंतु माँ मुझे नहीं पता था कि तुम तो साक्षात सत्संग की प्रतिमूर्ति निकली, मुझे क्षमा कर दो। कोई बात नहीं, तू अब भगवान का भजन करने जा। तो कहा ठीक है माता, अब मैं साधारण गोद नहीं बैठूंगा। अच्छा, साधारण गोदी में नहीं बैठेगा तो फिर कौन सी गोदी में बैठेगा? तो ध्रुव जी ने कहा कि अब तो बैठूं सकल गोद निर्भय हो। कर्म के लिए तो श्री भगवान उसका साथ अवश्य देते हैं। तो तुरंत भगवान के मन श्री नारद जी ने, नारद जी को प्रेरणा हुई, तुरंत नारद जी पहुंच गए। अरे मिल गए नारद मुनि मग में, पड़ा ध्रुव मुनिवर के पग में। गुरु जी अब दीजो ज्ञान हमें। जैसे गए तो ध्रुव जी ने कहा, नारद जी मिले तो ध्रुव जी ने कहा कि मैं जा रहा हूं भजन करने। तो ध्रुव जी, भजन कोई आने दो, आने की मिठाई नहीं है कि ली और खा ली। थोड़ी सी बात पे तू घर का परित्याग करके जा रहा है, बड़े बड़े योगियों को भजन दुर्लभ है, तू कैसे जा रहा है? तब कहा उसने, नहीं मैं वचन दे चुका हूं अपनी माता को, अब तो भगवान की गोदी में बैठ। मंत्रोपदेश किया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय वालसाक्षर मंत्र ध्रुव जी के कान में प्रदान किया है। देखिए ध्रुव जी की जो राजधानी है वो कानपुर के पास विढूर है। वो कानपुर नाम कैसे हुआ? ध्रुव जी को नारद जी ने कान में मंत्र दिया, इसलिए वह मंत्र पूरा हुआ, इसलिए आज उसका नाम कानपुर है, ऐसा भी वर्णन आता है। इस कारण से कानपुर जो है, इसलिए वहां पे गए। फिर ध्रुव जी ने आगे, ध्रुव जी गए आगे जाकर के, ध्रुव जी त्रांते त्रिरात्रांते कपित्त बदरासनः। सबसे पहले ध्रुव जी ने क्या किया? ध्रुव जी ने कपित्त और बेर, कैथे और बेर के फल खाए। कपित्त का फल क्यों खाया? श्री वल्लभाचार्य जी इस पर टीका लिखते हैं, कपित्त का फल इसलिए खाया क्योंकि वो गणेश जी को याद कर रहे हैं। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्त जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। पहले कपित्त का फल खा करके, कपित्त का फल खा करके पहले गणेश जी का ध्यान किया है कि गणेश जी मेरे भजन में कोई विघ्न ना आए, क्योंकि आपको गणपति की उपाधि साक्षात श्री भगवान ने दी है, तो आप मेरी रक्षा कीजिएगा। धीरे 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 समय व्यतीत होता गया। कपित्त के फल से फिर ध्रुव जी ने पत्तों का आहार लिया। पत्तों का आहार को छोड़ करके फिर जल छोड़ करके अब तो केवल वायु का आहार ले रहे हैं। ऊपर देवराज का इंद्रलोक हिल गया, बड़े बड़े लोग जो है वो कंपायमान हो गए ध्रुव जी की इतनी जोर से तपस्या हुई। जब देखा ध्रुव जी ने 6 महीने व्यतीत हो गए, जब 6 महीने की अवधि पूरी हुई तो ध्रुव जी के मन में संकल्प हुआ, क्या श्री भगवान नहीं आएंगे? क्या मेरी तपस्या का कोई फल नहीं है? क्या भगवान को मैंने संतुष्ट नहीं किया? जैसे ही ध्रुव जी ने ये सोचा तो ध्रुव जी की आंख में आंसू प्रकट हुए। आंसुओं की बूंद आंख के कोने से होती हुई कपोलों का अतिक्रमण करती हुई होंठ से गुजरती हुई थोड़ी पर दो क्षण
शशंक चक्रम शकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरु हेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रीयाम विष्णु शरशाम चतुर्भुज साक्षात वनमाला को धारण करते हुए तुलसी मंद पारिजात सरोरुहा पंच इता गथिता माला वनमाला प्रकीर्तिता पांच फूलों की माला श्री भगवान धारण करके ध्रुव जी के समक्ष आए हैं। ध्रुव जी के जैसे ही ध्रुव जी देख रहे हैं भगवान ध्रुव जी जब भगवान ने ध्रुव जी को देखा ध्रुव जी के मन में हुआ कि मैं तो 5 साल का बच्चा हूं ना मैं कोई पढ़ा लिखा हूं मुझे तो विद्या का ज्ञान भी नहीं है लेकिन माता ने कहा था भगवान मिले तो स्तुति करना पर मैं स्तुति कैसे करूं। देखो यहाँ पे चक्रवर्ती पाद लिखते हैं करता है तो दो तरीके से उसके मन में होता है क्या तो वो भगवान के पूरे गुणों को जानता है या फिर वो भगवान के पूरे गुणों को नहीं जानता तो गुण के अंदर से कुछ गुण को लगा करके कहता है पर ये दोनों ही ध्रुव जी के समक्ष नहीं है क्योंकि ध्रुव जी तो कुछ जानते ही नहीं है इसलिए भगवान के गुणों को कैसे कहें। भगवान समझ गए भगवान ने क्या किया अपना पांचजन्य शंख लगाया कृतांजलिम मैन कंबुनात पस्पर्श बालम कृपया कपोले जैसे ही भगवान ने भगवान की वेदमय शंख कपोल पर स्पर्श कराया तो वेदमय वाणी पाकर ध्रुव लगे करन गुणगान पायो अचल लोक ध्रुव लोक भक्त ध्रुव धर के श्री हरि को ध्यान के इत्यादि समस्त निर्गुण निर्गारित हो गए बड़े बड़े न्याय तर्कों का प्रतिपादन करने वाले संपादन करने वाले योगिंद्र मुनिंद्र जिन गति को प्राप्त नहीं कर सकते स्पर्श पाते ही ऐसी सोई हुई सरस्वती जागृत हो गई। ध्रुव ने स्तुति करी योन्तः प्रविश्य मम वाचम् इमां प्रशयतुभ्यम् ध्रुव ने स्तुति करी। देखिए भगवान की चरण शरण लेना भगवान का भजन करना ये कोई शंकर जी की बारात नहीं है कि कोई भी घुस गया कोई भी कर लिया ये कोई शिवजी की बारात नहीं है। शिवजी की बारात जानते हो कैसे थी यस्यास्ते द्राट द्राट द्रुट द्रुट ममलम टंट टम 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 डम सम डम सम डुडम सम दुहि दुहि चकितम भूपकम भुवनालयम तैलम तैलम तु तैलम हे भगवान चक्रवर्ती पाद लिख रहे हैं भगवान आप मेरे सामने हो मैं आपके सामने हूँ आप मेरी मैं आपकी गोदी में क्या तो उछल के आ जाता हूँ कि आप मेरे दिल में बैठ जाओ ऐसी दिव्य स्तुति करी है। उसके बाद जब ध्रुव जी जब भगवान ने आश्वासन दिया है फिर उसके बाद ध्रुव जी ने कहा भगवान ने कहा बच्चे कुछ मांग ले तो ध्रुव जी ने कहा अब तो आपके दर्शन हो गए मैं क्या मांगू। ध्रुव जी ने कहा नहीं भगवान ने कहा नहीं नहीं मांग ले तो ध्रुव जी ने क्या मांगा भक्तिम मोहं प्रवताम त्वयिमे प्रसंगो भूयादनंद महता ममलाशयानाम यनवेंज सोल्वणम उरुव्यसनम भवाद्विम नेसे भवत गुण कथामृतपान मत्तः। हे भगवान आपके लाडले दुलारे संत मुझे सदा कथा श्रवण कराते रहे और मैं कथा को श्रवण करता रहूं। आप पहले स्कंद से लेकर के 12वें स्कंद तक के दर्शन कर लो श्रीमद् भागवत जी में सभी ने जो फल है भगवान के दर्शनों का या सुकृत का वो एक ही चीज बताई है भगवान की कथा को श्रवण करना कथा को कहना या सुनना। फिर भगवान ने कहा कि ठीक है एवं अस्तु ध्रुव तू एक 36,000 वर्षों तक राज्य कर क्योंकि देखो चक्रवर्ती पाद ने यहाँ पे ध्रुव जी को अर्थार्थी भक्त कहा है। ध्रुव जी अर्थार्थी भक्त है क्योंकि सिंहासन की कामना थी ध्रुव जी में पर भगवान की कथा श्री विष्णु पुराण में है यहाँ पे नहीं है भागवत जी में। उसके बाद भगवान ने एवं अस्तु कहा भगवान जा रहे हैं बार बार ध्रुव जी को पीछे से भगवान देख रहे हैं ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं मन नहीं कर रहा। उधर उत्तानपाद को नारद जी ने सारी बात विफल हो गया अरे मेरा ध्रुव कहाँ होगा मेरा ध्रुव कहाँ होगा भागा है महल से जंगल की तरफ खोजने के लिए यहाँ से ध्रुव जी पहुंचे जाएगा इसलिए ध्रुव
किया है, उत्तानपाद ने गोदी में उठाया है और ध्रुव जी के कपोलों पर चुंबन किया है। ये वही वाला कपोल है जहां पे भगवान ने, तो भगवान का आधारा मृत ध्रुव के कपोलों पर अभी भी था। जैसे ही चुंबन किया तो उत्तानपाद के मुख में भगवान का आधारा मृत प्रस्तुत हो गया। उसके जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के दुष्प्रभाव, दुस्संग, दुष्प्रवृत्ति जलकर के भस्म हो गई और वैराग्य का उद्भव हो गया। उन्होंने कहा, ध्रुव मैं राज्य सब, तू राज्य संभाल और मैं परमार्थ संभालता हूँ। ऐसा कहकर के ध्रुव जी ने 36,000 वर्षों तक राज्य किया है। अपने जैसे ही 36,000 वर्ष पूरे हुए, एक दिन ध्रुव जी अपने महल के बाहर आए थे। देखा सामने से कोई एक स्त्री भयंकर वेश में, बाल खुले, सफेद साड़ी में भयंकर रूप से देखी। ध्रुव जी ने कहा, तू कौन है देवी? तो उसने कहा, मैं साक्षात मौत हूँ। वर्षों तक ध्रुव तुम्हारी तपस्या कर रही हूँ, परंतु जिस भी खिड़की से तुम्हारे महल की घुसने की चेष्टा करती हूँ, घूमता वसुदर्शन नजर आता है। मुझ पर कृपा करो, मेरे द्वारा इस त्रिगुणात्मक सृष्टि से व्यक्ति परे जा पाता है। ध्रुव जी ने संकल्प किया है, आकाश से विमान धरती पर उतरा है, क्योंकि वह विमान अप्राकृतिक था, इसलिए प्रकृति का स्पर्श नहीं कर पा सकता था। इसलिए ध्रुव जी ने कहा, हे मौत, तू जरा नीचे झुक जा, मैं तेरे ऊपर पैर रख करके इस विमान में चढ़ूंगा। तो देखो, मृत्यु मूर्धनि मदन दत्त्वा आरोहा भूतं गृहं, श्री ध्रुव जी मृत्यु के मुख पर चढ़ करके और विमान में बैठे हैं। देखो, मौत तो वही है जैसे एक बिल्ली है, बिल्ली तो वही है, उसका मुंह भी वही है, लेकिन जब वो एक चूहे को पकड़ती है तो उसको फाड़ देती है, उसकी भयाभय दशा हो जाती है। लेकिन वही मौत जब अपने, वही बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो मुंह से प्यार से पकड़ करके उसको बिल में रख देती है। ऐसे ही मौत तो वही है, जब वो किसी दुराचारी और व्यभिचारी के पास पहुंचती है तो उसकी भी भयाभय दशा कर देती है, लेकिन जब वही मौत एक भक्त के समीप जाती है तो उसके स्पर्श से अपने आप को धन्य कर देती है। ऐसी मृत्यु तो मृत्यु मूर्धनि पदं दत्त्वा आरोहा भूतं गृहं, मृत्यु के मुख पर चढ़ करके ध्रुव जी ने धाम आरोहण किया है। जब जैसे ही ध्रुव जी जा रहे थे तो ध्रुव जी ने कहा, पार्षदों को कहा कि मेरी माता कहाँ है? माता का स्मरण ध्रुव जी ने किया है तो विष्णु पार्षद बोले उनको कि देखो, तुम्हें भजन में लगाने वाली जो माता है वो आगे, देखो तुमसे भी पहले विमान में जाकर के भगवान को धाम जाएगी। इसलिए ध्रुव जी को दर्शन कराया। देखो, माता का बहुत बड़ा रोल है भगवत बच्चे के भजन में, माता पिता का बहुत बड़ा रोल होता है भगवत बच्चों के भजन में। इसलिए सुमित्रा जी ने, जब लक्ष्मण जी आज्ञा लेने के लिए आए थे कि राम कथा के बिना मैं कथा नहीं कह सकता, सुमित्रा जी जब आए, सुमित्रा जी के पास लक्ष्मण जी आए तो लक्ष्मण जी ने कहा, माता मैं वनगमन कर रहा हूँ भैया के साथ। तो कितना सुंदर उपदेश सुमित्रा जी कहती है, रामम दशरथम वृद्धिम माम वृद्धिम जनकात्मजा अयोध्याम अटमीव वृद्धिम गच्छतात यथा सुखम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड के 36वें सर्ग का दूसरा श्लोक। उन्होंने कहा कि राम जी को ही दशरथ जी मानना और सीता जी को ही मेरा स्वरूप जानना और वन को ही अयोध्या जानना, इसलिए गच्छतात यथा सुखम, सुख पूर्वक भगवान की सेवा में पहुंचो। ध्रुव चरित्र का जो कोई भी श्रवण करता है, भगवान उसका परम मंगल ही मंगल करता है। इन्हीं शब्दों के साथ वांछा कल्पतरु कृष्ण कृपा सिंधु देव पतिता नाम पावन ध्रुव महाराज की। और एक मिनट, हमें तो स्त्री पुत्र परिवार चाहिए, लेकिन विष्णु को उपासना, कृष्ण राम की भक्ति कौन करते हैं? बोले जिनको संसार से मुक्ति चाहिए। लेकिन शंकर जी, ब्रह्मा जी, देवी, इनको कौन पूजा करते हैं? बोले जिनको संसार की स्त्री पुत्र परिवार चाहिए वो लोग उनको भजन कहते हैं। लेकिन हमें तो भक्ति नहीं, हमें तो सांसारिक वस्तु चाहिए है। इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, भगवान कृष्ण दूसरे देवा देवियों को भक्ति करते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं भैया ऐसे नहीं। बोले अकाम सर्व काम वक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेना जजेत पुरुषं परं। अकाम कुछ सांसारिक वस्तु चाहिए, स्त्री पुत्र परिवार धन दौलत सब चाहिए। बोले वक्ष काम, यहाँ तक भी हमें मुक्ति चाहिए। बोले भैया किसको भक्ति करनी चाहिए? बोले कृष्ण भक्ति करो,
सेवा देवी की भक्ति करने के लिए मना कर देते हैं। बोले कारण है कि आखिर कारण ही जैसे रावण का नाम सुने सुने कि नहीं रावण हाँ रावण का सुने सोने की लंका किसकी भक्ति करती थी शंकर जी की सोने की लंका मंदोदरी जैसे पत्नी मेघनाथ जैसे बच्चे 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती लेकिन लास्ट में क्या हुआ सब ध्वंस सब ध्वंस। लेकिन विभीषण को देखो जिस लंका को पाने के लिए रावण ने 10 बार सर को कटवा दिया था कितनी कठोर तपस्या की लेकिन विभीषण को लंका पाने के लिए कुछ करना पड़ा। जब रावण ने लात मारकर भगा दी केवल उसने राम की चरण में 1 बार प्रणाम कर लिया प्रभु तुम्हारी शरण में और भगवान क्या बोले लंकेश राजा इतने में सुग्रीव प्रश्न करता है बोले प्रभु आप इसको लंके से कैसे कह रहे हो अगर बोले अयोध्या अयोध्या तो भरत को देकर के आए फिर भरत को क्या दोगे बोले भरत को अपना गोलोक अपना वैकुंठ दे दूंगा बोले भरत को वैकुंठ दे दिया रावण को दे दिया अयोध्या और विभीषण को दे दिया लंका लंका फिर आप कहाँ रहोगे आपके लिए तो नहीं स्थान होनी चाहिए देखो भगवान कितने दयालु बोले मेरे लिए कोई स्थान की जरूरत नहीं मत भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद हे नारद जहाँ पर मेरे भक्त जब मेरे कीर्तन करते हैं कथा करते हैं वही मैं रहता हूँ और संत मतलब भगवान इतने दयालु जैसे ध्रुव जी पहले जब भजन करने के लिए गए निष्काम होकर नहीं मैं राजा बनना चाहता हूँ मेरे हक को छोटे भैया जोर जबरदस्त ले रहा है और भैया को मैं राजमा तो ब्रह्मा शंकर इंद्र चंद्र बड़े बड़े ऋषि लोग जिनकी चरणों को भजन करते हैं हाँ जो दुर्लभ चरण मेरे को मिला वो उदाहरण देते हैं काचम विचिन्न अपि दिव्य रत्नम अगर कोई व्यक्ति कांच की टुकड़े ढूंढते उसको दिव्य रत्न प्राप्त हो गया जगत में से कौन बेकूफ होगा वो दिव्य रत्न को छोड़कर कांच के टुकड़े ग्रहण करेगा। मैं तो छोटे राज्य के लिए आया था लेकिन आज आपके चरण प्रभु तृप्त अस्मि वरम न जाचे हमें वर नहीं चाहिए। लेकिन भगवान क्या दिया ध्रुव जी को देखो क्या दिया 36,000 साल तक ये पृथ्वी में निष्कंटक राजत्व दिया और इसको बाद में जो मृत्यु के सर को प्यार रख करके ये शरीर समेत वैकुंठ विजय किया। लेकिन देवादेवी के भजन में वो नहीं होगी थोड़ी समय के लिए तुच्छ भोग को दे देंगे जिसको तरह नरक में डूबते रहेगी संसार की चक्कर में भटकते रहोगे। इसलिए यहाँ मना करते भैया दूसरे देवादेवी को पूजा मत करो मना कर देते हैं। पूजा करना तो भगवान की भक्ति करो भक्ति बिहारी पिता है अगर पिताजी को पास में उदाहरण देते हैं